सिरसा में गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश उत्सव पर राज्य स्तरीय आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल खट्टर भी शामिल हुए। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स प्रोग्राम में पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनता की समस्याओं को दूर करना हमारी प्राथमिकताओं में से एक है। रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने समर्थकों के साथ कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे, जहां समर्थकों ने प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व हुड्डा को सौंपने की बात कही। झज्जर में एक धार्मिक समारोह में पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल पहुंची, जहां उन्होंने गठबंधन पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस खुद में सक्षम है, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। भिवानी में राहगीरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। सोनीपत में शादी से मना करने पर बाप ने बेटी की हत्या कर दी, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सोनीपत में एक मामा पर भांजी के साथ रेप करने का आरोप लगा है, फिलहाल आरोपी मामा फरार है, पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। यमुनानगर में 10 साल की बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले शख्स को लोगों ने पकड़ लिया और जमकर पीटना शुरू कर दिया, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। झज्जर के आसरा गांव में एक मां और बेटी की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में लगी हुई है। रेवाड़ी के कालका डीग में नहाने गए 21 साल के लड़के की डूबने से मौत हो गई, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।